हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके पहले के वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, आंधी आने से जे क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शाखा जमीन को छूने लगता है और इसके 7/30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शाखा जमीन को छूता है वहां पर क्या है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे एक जे क्या है, पेड़ है। क्या है जे, पेड़ है। जब यहाँ पर इतनी लंबाई है, जे पेड़ यहाँ से टूट के जे यहाँ से ऐसा झुक जाए, क्या हो जाए, ऐसा टूट के ऐसा गिर जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जे, और जे यहाँ से जे लंबा था तो जे टूट के ऐसा कैसा हो गया, ऐसा झुक गया, तो जे क्या हो, जे है अपन का कर्ण हो जाए। जब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जोड़ दें, इसको खड़ा कर देंगे, तो जे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाए पूरी। तो चलो करते हैं। पहले से हमने इसका चित्र बना लिया है। देखो इसका चित्र क्या है, ऐसा बनेगा जे है। इसमें देखो पेड़ की पाद बिंदु से, मतलब इसका आधार, इसको नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी दे दो, और इसको क्या दे दो, नंबर डी दे दो। तो जी क्या हो जाए, पेड़ के 8 मीटर, आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि अपन को जे भी चाहिए और जे भी चाहिए। तो देखो लंब बटा आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है, और आधार बटा कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है, कॉस थीटा में। तो अपन दो सूत्र लगाएंगे। जब यहाँ से बी डी बराबर, इतनी पूरी पेड़ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक चाहिए अपन को, तो ए सी को जोड़ देंगे और ए बी को जोड़ देंगे, तो बी डी की पूरी लंबाई क्या हो जाए है, निकल आए है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो यहाँ पर क्या होता है, लाल बटा कक्का से, देखो जी है क्या है, टेन थीटा का सूत्र है, लंब बटा आधार, ये साइन का कॉस का है, ये टेन का है। तो ठीक है, अब लगाते हैं टेन थीटा का मान यहाँ पर देखो, और थीटा कितना दिया गया है, देखो थीटा का कोण कितना दिया है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर कितना आएगा, थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 बराबर, देखो लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी। अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ए बी अपन को ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए बी बटा बी सी कितनी दी गई है, 8। अब त्रिक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी √3 बराबर 8। जो गुणा में है तो इस साइड का में जाएंगे, बटे में, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 8√3। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब कौन सा लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लेंगे, आधा बटा कर्ण किसमें होता है, कॉस थीटा में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, और देखो आधार क्या है, बी सी, कर्ण क्या है, ए सी। तो
कॉस 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। बीसी का मान कितना है 8, और एसी क्या करना है ज्ञात करना है, एसी क्या करना है अपन को ज्ञात करना है। अब देखो त्रिक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे त्रिक गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा एसी अंडर रूट 3/8 × 16 आ जाएंगे। यहाँ पर जो गुणा में तो साइड क्या में जाएंगे बटे में, तो एसी बराबर क्या आ जाएगा 16/√3। अब देखो अपन को क्या चाहिए, पेड़ की लंबाई चाहिए, तो क्या कर देंगे बीडी बराबर, बीडी बराबर क्या कर देंगे एबी प्लस एसी, इसको भी दे दो समीकरण नंबर 2 दे दो, तो लिखेंगे बीडी बराबर एबी प्लस एसी। देखो एसी का मान कहाँ से लेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो लिखेंगे बी डी बराबर ए बी, यहाँ पर लिखना है ए और बी, ए बी बराबर देखो ए बी का मान कितना आया था 8√3 प्लस एसी का मान कितना निकाला है अभी अपन ने, देखो जे है कितना है 16/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 16/√3। देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे √3 लेंगे, कितना लेंगे √3 लेंगे, और तो 3 से 3 कट जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 16, 16 और 8 कितने होते हैं 16 और 8 कितने होते हैं 24/√3। यहाँ पर क्या कर देंगे √3 का परिमेयीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे परिमेयीकरण कर देंगे, तो देखो ऊपर कितना आ जाएगा 24/√3, बट नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 8 24 कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3, तो कितने किस में बी डी बराबर कितना आ जाएगा 8√3, यही क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा, लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, क्या लिख देंगे 3 मीटर है। अब करते हैं अपन अगले प्रश्न को सॉल्व, क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो जे क्या हो जाए मीनार हो जाए जे पाद बिंदु हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा यहाँ पर कितने का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना, इसको ए दे दो इसको बी दे दो इसको सी दे दो, तो इसके कोण कितने का है 30 का, और इसकी दूरी कितनी है 30 मीटर है, तो क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए भी क्या करना है अपन को ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार किस में आता है टेन थीटा में आता है, देखो यहाँ पर क्या आएगा लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा आधार किस में आता है टेन थीटा में आता है, तो यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या आएगा टेन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा आधार होता है, तो थीटा का मान कितना दिया गया है अपन को 30 डिग्री बराबर, लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी है, तो टेन थीटा का मान कितना, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, और ए बी क्या करना है अपन को ज्ञात करना है, और बी सी कितनी दी गई है 30 है, अब क्या कर देंगे
30 मीटर दी गई है। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ए बी अंडर रूट 3 बराबर 30 आ जाएगा। अब देखो जी यहाँ पर गुणा में तो इस साइड में जाएंगे बटे में, तो ए बी बराबर 30 बटा अंडर रूट 3। तो देखो नीचे क्या नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं आने चाहिए, तो क्या कर देंगे अपन अंडर रूट 3 का क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 30 अंडर रूट 3 होगा, तो कितना आएगा 30 अंडर रूट 3 आएगा। यहाँ पर देखो रूट 3 से रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा। तो देखो जे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर। अब क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 10 अंडर रूट 3 मीटर है। इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व किया है। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।